राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज बस स्टॉप के पीछे व काशीश्वर इंटर कॉलेज के बगल में बने एक मकान में हुआ भयंकर विस्फोट व लगभग आधा दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों व स्थानीय पुलिस के द्वारा मोहनलालगंज CHC लाया गया, जहां से उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस की नाक के नीचे चल रहा था अवैध रूप से पटाखे बनाने का कारोबार। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार पूर्वक हमारे रिपोर्टर जयशंकर तिवारी के साथ। अरे भाई फिर जाना ना रहा, यहाँ पर निकलो निकलो फिर निकलो। तुम देखो तुम जा सकते देखो है। इसी रूम में हुआ है क्या विस्फोट? जी जी कहाँ क्या करोगे सब? चलो चलो कैसे लेके जाएंगे? हमने लेके थोड़ी जाएंगे, आप आ जाइए, एक एक पेशेंट जा पाएगा। मैं देखिए स्टेबल दो गाड़ी आपको। अच्छा ठीक है, बस चिल्लाइए चिल्लाइए नहीं, आप कर दीजिएगा। दो गाड़ियाँ दे जा रही, तीसरी गाड़ी खड़ी है। तो फिर क्या मामला है ये पूरा? अरे सर, ये बस स्टॉप के पीछे यहाँ पड़ाके बनते हैं और यहाँ अभी हुआ विस्फोट तो बस स्टॉप पूरा हिल गया और यहाँ बहुत 2 किलोमीटर तक इसकी आहट गई और यहाँ बहुत लोगों जख्मी भी हुए और देखिए कैंटीन का ये हमारा शीशा भी टूट गया है और ईंटें उड़कर आए हुए हैं। जो लोग घायल हुए मुझे उनके प्रति संवेदना है, ड्राइवर की जल्द से जल्द ठीक हो। और सबसे बड़ी बात है, अच्छा हुआ ज़्यादा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, लोग घायल हैं, लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो मैं तो यही चाहूँगा। अभी आगे चल के मैं बात करता हूँ कोई सभी लोगों से, मैं तुरंत अभी यहाँ पे आया हूँ, मैंने देखा काफ़ी बड़ा हादसा है और इस प्रकार इसी जगह पे इस तरह के अगर कोई विस्फोटक सामग्री मिली है तो ये भी बड़ा सरकार की विफलता है, थाने की पुलिस की विफलता है। सामने जहाँ पर कैसे पहुँच अब हमको देखते हैं। 11:30 के आसपास जो है हसीना के घर में एक विस्फोट हुआ, जिसकी जानकारी मिली कि वहाँ पे गैस सिलेंडर फटने से एक विस्फोट हो गया जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। इसकी सूचना तत्काल जो है यशो और सीओ को दी गई और वो मौके पर जाकर के राहत एवं बचाव करके और उसमें जो भी लोग घायल थे तत्काल उनको CHC भेजा गया। वहाँ पे 6 लोगों के घायल होने की जो है सूचना मिली है और उनको सभी को जो है CHC में अस्पताल करने के बाद 4 लोगों को रिफर कर दिया गया सिविल हॉस्पिटल के लिए। सर प्रथम दृष्टया क्या कुछ निकल गया है, किस कारणवश वहाँ पर विस्फोट हुआ है? जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है उसमें गैस सिलेंडर फटने से ये घटना हुई है, लेकिन वहाँ पे ये भी जानकारी मिली है कि वो जो दिवाली में पटाखे बेचने का काम करता था कुछ पटाखे उसपे में भी हो सकता है कि वहाँ पे उपस्थित पाए गए हों, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी जो इसमें ला रही थी उस टाइप की लग रही थी।
वहाँ सर वहाँ पे खोखे मिले, सिलेंडर फटने से ही मुख्य रूप से विस्फोट हुआ है और जांच की जा रही है। इसमें पूरी जो है जांच होने के बाद रिपोर्ट जो आएगी, तो उसको नहीं जो प्रथम दृष्टया उसमें देखने को मिला कि थोड़ी बहुत उसकी जो बदबू आ रही थी उसके आधार पे ये था कि जो जानकारी की गई वहाँ पे, तो लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे जो दिवाली के समय जो पटाखे जो है बेचने का काम करते थे, तो उसके कुछ पटाखे इन्होंने ज़्यादा खरीद लिए थे, तो मे भी हो सकता है कि उसको उसके पास जो है अवशेष बचे हों, तो उसकी वजह से भी घटना में भी कारित हुई हो। कस्बे में जहाँ बस स्टैंड है उसके पीछे आबादी है, उसी में हुआ था। ये मोहम्मद शकील का घर है, तो जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद तत्काल पुलिस पहुंच गई, और पुलिस पहुंच के उसमें फंसे हुए लोगों को जितने लोग थे जनता के सहयोग से उन्हें निकाला गया, तत्काल अस्पताल भेजा गया। क्या कारण रहा सर विस्फोट का? कारण अभी प्रथम दृष्टया गैस सिलेंडर लग रहा है, लेकिन वहाँ कुछ लोगों की संभावना है कि उसमें पटाखे वटाखे भी कुछ रखे गए थे, जो दीपावली के समय वो खरीदा था वो रखा था, लेकिन जब तक उसका परीक्षण नहीं हो जाता, परिणाम नहीं आ जाता, तब तक हम अभी इसी निष्कर्ष पर हैं कि वो गैस सिलेंडर की विस्फोट। इसमें कितने लोग घायल हुए हैं? इसमें 6 लोग घायल हुए हैं, 4 लोग रिफर हुए हैं, और एक की स्थिति नाजुक है और शेष खतरे से बाहर। ठीक है सर। सर सोसाइटी के बाद में यहाँ पे ऐसा एक धमाका हुआ है, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद है? पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से ही घटना का को समय से अटेंड किया गया और मजरूहों को समय से अस्पताल भेजा गया, और साथ ही साथ आग पे काबू भी पाई गई, और वहाँ अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हो पाई। जब तक जांच नहीं हो जाता है तब तक हम यह कहने में असमर्थ हैं कि वह विस्फोट ये किसी पटाखे या किसी बारूद का है। अभी प्रथम दृष्टया गैस सिलेंडर का ही लग रहा है। ठीक है।